तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ बनारस का रेलवे स्टेशन। और हम आज गाड़ी पकड़ रहे हैं, बोले तो ट्रेन पकड़ रहे हैं, और आज हम जा रहे हैं अपने दिल्ली फरीदाबाद। तो आज हम इस ब्लॉग में आपको बनारस का दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बनारस रेलवे स्टेशन है, जो कि पहले मड़ुआ डीह के नाम से जाना जाता था। अब इस रेलवे स्टेशन को इतना ज़बरदस्त बना दिया गया है कि एकदम मज़ा आ जाता है देखने में। पूरी साफ़ सफाई एकदम ज़बरदस्त है। और आप यहां अगर आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि ब्लॉग कभी भी बनाए तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो गाइज आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पे कुछ दृश्य आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा। और गाइज चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन है भाई। बहुत भीड़ थी, कमाल की भीड़ थी, इतना भीड़ कि पूरा एकदम से मज़ा आ गया। तो देखते हैं। तो भाई ये रहा गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, और अब क्या है कि हम थोड़ी देर में बस दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आगे दोस्तों तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है, और हम यहीं पे उतर जाएंगे क्योंकि हमें दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, और फिर यहीं से हम फरीदाबाद पलवल के लिए ट्रेन ले लेंगे। आप भी अगर आते उधर से तो ये आसान रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमने ट्रेन से उतर गया, क्योंकि बीच में ट्रेन रुकी थी तो हम उतर गए हैं। और पैदल पैदल थोड़ा सा धीरे से आगे आप देख रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पे, जो कि तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है। और सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, चलते हैं ऐसे ही। और ये देख रहे हैं और इस ट्रेन जाती हुई, और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं आस पास जा रही हैं। और कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो निकलते हैं थोड़ा सा और आगे, और देख रहे हैं ये भी ट्रेन जा रही है, जो कि स्पीड इसका हाई है। और मैं अब गाइस थोड़ा सा और रह गया है, मैं अब रेलवे स्टेशन जो कि तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है, और वहां पे मैं पहुंचने वाला हूं। और ये मेरी ट्रेन जिस ट्रेन से उतरे थे वो ट्रेन जल्दी है। तो अब बाकी मेरे जैसे बहुत सारे जो भाई लोग हैं ये भी ट्रेन से उतर के सारे लोग जा रहे हैं, और चलते हैं भाई ट्रेन में बैठ के, फिर लोकल ट्रेन में बैठेंगे। तो ये रहा गाइस मेरा लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन जो कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से गाड़ी पकड़ के बल्लभगढ़। मुझे लगा कि चलो भाई लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं यहाँ का, और कुछ यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, आप सभी लोग साथ शेयर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का लोकल ट्रेन ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, नई ट्रेन में बैठे हुए हम। और इधर सारे भाई लोग आसपास मेरे बैठे हुए थे, तो मैं अपने आप मैं ब्लॉग में बना रहा हूँ सिर्फ, और ख़ुद को मैं थोड़ा सा अपने फ़ोन में देख रहा हूँ। और बाकी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप देख सकते हैं ये ट्रेन है धीरे 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 जा रही है। और ये है तुगलकाबाद का रेलवे स्टेशन, तुगलकाबाद का रेलवे स्टेशन है, और इसके बाद और भी स्टेशन पड़ेगा। हमें तो गाइस जाना है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास जाना है, और जहाँ भी जाते हैं तिधर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। मैं बाहर थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आसपास मेरे को सब लोग देख रहे हैं तो मैं बुला नहीं रहा हूँ ब्लॉग बोले तो। और गाइस आप लोगों को कैसा लगता है हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद।